हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए आलू की कचौड़ी की रेसिपी लाई हूँ, जो कि बहुत ही सॉफ्ट और इतना नरम और इतना टेस्टी बनता है कि आपने एक बार खा लिया ना तो बार बार खाने को मन करेगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपनी रेसिपी को। ये मैंने बॉयल 4 आलू लिया है, इसको अच्छी तरीके से मैश कर लेंगे। बिल्कुल भी जो आलू के गांठे छोटे छोटे टुकड़े रह जाते हैं ना, बिल्कुल नहीं रहने देंगे। जब तक हम इसकी तैयारी करते हैं, गैस पर रख देते हैं कढ़ाई को गर्म होने के लिए। कढ़ाई हमारा गर्म हो गया है, इसमें डालेंगे ऑयल 2 टेबलस्पून, जीरा 1 टीस्पून और इसको हल्का सा फ्राई होने देंगे। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे हम 1 पिंच हींग, इससे जो आलू की कचौड़ी है उसकी टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। हल्का सा इसको भून लेंगे और जैसे ही हल्का सा ब्राउन कलर का होगा उसमें ऐड कर लेंगे हम हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1/4 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून। अच्छे से इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद इसमें अदरक और हरी मिर्च का दरदरा पिसा हुआ पेस्ट में ऐड कर रही हूँ और इसको भी हल्का सा 2 से 3 सेकंड अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। फ्राई हो गया है, इसमें डालेंगे आलू जो हमने मैश कर तैयार कर लिया था। मसालों के साथ अच्छी तरीके से आलू को मैश कर लेते हैं। इस तरह से हम दबाते हुए मैश करेंगे मसाले के साथ आलू को, ताकि जो भी छोटे छोटे टुकड़े आलू के रह गए होंगे अच्छी तरीके से मैश हो जाएंगे। इस तरह से फ्राई करेंगे हम आलू को मसालों के साथ। नमक 1 टीस्पून, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा डाल सकते हैं और इस तरह से इसको चलाते हुए फ्राई कर लेंगे। कम से कम हमें मसाले को 2 से 3 मिनट फ्राई करना है मीडियम फ्लेम गैस पे, ताकि मसाले अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए। काली मिर्च हल्का दरदरा पिसा हुआ मैं इसमें डाल रही हूँ, इससे जो मसाले हैं उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आ जाएगा आलू कचौड़ी का। मसाला में देखिए साइड साइड से तेल छोड़ दिया, यानी हमारा आलू लगभग फ्राई हो गया है। तो इसमें हम ऐड कर लेते हैं धनिया पत्ता, बिल्कुल बारीक कटिंग किया हुआ। अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स हो गया है हमारा आलू, फ्राई हो गया, गैस को बंद कर दिया हमने। आटा ले लिया है 2 कप के करीब, 2 टेबल स्पून इसमें ऑयल डाल रहे हैं, रिफाइंड ऑयल है ये। और उसके बाद हम डालेंगे 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून अजवाइन, हल्का सा इसको क्रश कर लेंगे, ऐड कर देते हैं इसमें। उसके बाद हम डालेंगे कलौंजी यानी मंगरेला और मीठा सोडा बिल्कुल चुटकी भर, इससे हमारी जो कचौड़ी होगी बहुत ही फूली फूली बनेगी। और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। इसमें जो छोटे छोटे गांठे आ जाती है ना, बिल्कुल भी नहीं रहने देंगे। इस तरह से अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम जो मसाले फ्राई किए थे उसको डालकर आटों के साथ अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। जितने भी आलू के साथ जो मॉइस्चराइजर है ना, वो आटे के साथ हम गूंथ लेंगे। उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको आटे को गूंथ कर तैयार कर लेंगे। आटे को हमें ज्यादा नरम नहीं गूंथना है, ना ही सख्त गूंथना है, मीडियम आटे को गूंथ कर तैयार करना है, जिससे हमारी कचौड़ी बहुत ही सॉफ्ट बने। इस तरह से हम थोड़े थोड़े पानी डाल के आटे को अच्छी तरीके से गूंथ कर तैयार कर लेते हैं। आटा हमारा गूंथ कर तैयार हो गया है और इसको हम रख लेते हैं किसी और बर्तन में। कचौड़ी के आटे को गूंथ कर तैयार कर लिया है हमने, गैस पे रख दिया है कढ़ाई को गर्म होने के लिए। कढ़ाई गर्म हो गया है, इसमें हम डालेंगे
रिफाइंड ऑयल, और जब तक हमारा तेल गर्म हो रहा है तब तक हम कचौरी को बेलकर तैयार कर लेते हैं। ये हम हाथों पे अच्छी तरीके से तेल को लगा लेंगे चारों तरफ, और छोटा छोटा लोई बनाकर इसको इस तरह से तेल लगाकर अच्छी तरीके से हल्के हाथों से इसको बेलकर तैयार कर लेंगे। पूरी का शेप में इसको इस तरह से घुमाते हुए बेलकर तैयार कर लेते हैं। तेल गरम हो गया, चेक कर लेते हैं। जब तक तेल और गरम हो रहा है तब तक हम सारी कचौरी को बेलकर तैयार कर लेते हैं। इसी तरह से सभी कचौरियों को हम बेलकर तैयार कर लेंगे। जो हम कचौरी के लिए पूरी को बेल रहे हैं ना, वो ज्यादा हमारी पतली नहीं होनी चाहिए, और इसी तरह से घुमाते हुए मीडियम साइज की पूरी आकार में बेलकर तैयार कर लेंगे कचौरी को। चलिए तेल गरम हो गया है, उसमें डालते हैं अपनी कचौरी को और इसको इस तरह से फुल फ्लेम गैस पे हम इसको तलेंगे। इससे हमारी कचौड़ियाँ जो होगी फुली फुली सी बनेगी। दूसरी को भी डाल देते हैं और इसको तेल को अच्छी तरीके से निकाल कर किसी भी प्लेट में टिश्यू पेपर डालकर उसके ऊपर हम कचौड़ी को निकालेंगे, ताकि जो भी एक्स्ट्रा तेल होगा हमारा वो टिश्यू पेपर में अब्सॉर्ब हो जाएगा। और इसी तरह से एक एक करके हम कचौड़ी को कढ़ाई में डालकर फुल फ्लेम गैस पे सारी कचौड़ियों को निकाल लेंगे। और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है, आप लोग इसे घर पे ट्राई जरूर कीजिएगा। इसी तरह सारे कचौड़ियों को हम तल कर निकाल लेंगे। और ये बहुत ही सॉफ्ट बनता है और इतना टेस्टी लगता है कि आपको बार बार खाने को मन करे। इसी तरह सारी कचौड़ियों को हम तल कर निकाल लेते हैं, और प्लीज आप लोग भी घर पे ट्राई कीजिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा जी इसका टेस्ट कैसा लगा। पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। और सभी कचौरियाँ लगभग मेरे बनकर तैयार हो गई है, इसको भी हम निकाल लेते हैं। ये देखिए कितनी फुली फुली सी कचौरी हमारी बनकर तैयार है। चलिए हम लगा लेते हैं इसको सर्विंग प्लेट में, और ये देखिए कितना सॉफ्ट नरम। आप इसे सब्जी, धनिया की चटनी, रायता किसी के साथ भी खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है। मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में धनिया की चटनी और रायता की लिंक डाल दी है, आप चेक कर सकते हैं।